किसान भाइयों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं नगड़ मील सहारनपुर में और आज की वीडियो बहुत अलग और स्पेशल होने वाली है साथियों, क्योंकि इस वीडियो में हम जो जानकारी देंगे दिखाएंगे बहुत ही अलग है। ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटा ट्रैक्टर और बुग्गी, झोटा बुग्गी वाले यार्ड में ही चलते हैं और इनका हाड़ा भी यही है। थोड़ी जानकारी लेते हैं एक बार और पूछते हैं, कुछ किसान भाई आगे खड़े हैं इनसे जानकारी लेते हैं। तो झोटा बुग्गी जो हाड़ा होता है भाई जी, उतना ही हाड़ा है इसका भी? 35 का हाड़ा। देखें भाइयों, इसका वेट हुआ है 32 क्विंटल 35 किलो। और झोटे की जगह भाई इसे लेके आ रहे हैं यहाँ से सब, उसी झोटे वाले यार्ड में ये बुग्गी चलती है और बड़ा फायदा है इसका, सब भाई से ही लेकर आ रहे हैं छोटे को भाई जी। तो भाई झोटे की जगह आपने ट्रैक्टर रख रखा है, ट्रैक्टर और बुग्गी, इसका क्या फायदा मिल रहा? झोटे से ही गिरे। और खर्चा? खर्चा कुछ नहीं, बस वही लीटर एक ले लो, चलेगा तो खावेगा नहीं तो खड़ा। बहुत बढ़िया, झोटे तो बढ़िया। गन्ने कितने तुल जाए इसपे? इस पर 22 क्विंटल बुग्गी पे भी इतनी तुल है? इस पर 25। और पूरा हड़ा कितना यहाँ से? 35 क्विंटल का। तो देखते हैं भाई, 35 क्विंटल का यहाँ पे हड़ा है और ये खड़े हैं इधर कर्मचारीगण। और अभी झोटा बुग्गी दिखाई दे रही जी, भीड़ कम है शाम के टाइम आवे तो जो चल दी स्टार्टिंग बढ़िया वाली जो लेके चल दिया। अब अगले वाले का नंबर लाइन पर लग रहा, अब अगला ट्रैक्टर आएगा। तो भाई यो जुगाड़ बहुत बढ़िया, अपने झोटे की जगह आदमी झोटे की जगह अपने ट्रैक्टर रख सकता है, कोई खर्चा नहीं और अपना खेती भी सही कर सकता है। 4x4 ट्रैक्टर है इनके। तो ये देखें भाई यो, एक लोहे का झोटा और स्टार्ट होगा, चल दिया। अब इसका वेट देखेंगे कितना हो रहा, देखें वे ये अपने 7-19 के टायर हैं और बुग्गी है, बस अंतर इतना है झोटे की जगह छोटा ट्रैक्टर है। इसका वेट हुआ जी 34 क्विंटल 35 किलो। अभी अंदर प्रक्रिया हो जाएगी भाई। तो आपने झोटे की जगह आपने भी ट्रैक्टर रख रखा, तो इसका और क्या लाभ मिल रहा? छोटी गली में चल जाओ, अपनी सारी खेती भी सही कर रहे होंगे नहीं? और अलग से कोई झोटा वोटा रखने की जरूरत नहीं भैंसा? हाँ जी हो गई है। खेती का क्या काम कर रहे इससे? मतलब पूरी खेती अपने इस ट्रैक्टर से हो रही, गन्ने भी इससे गिर रहे हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और भाइयों आप देख भी सकते हैं यहाँ पर लाइन लगी हुई है, एक कोटा हो रहा लिया छोटे वाला, ये मानो बस लोहे का झोटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं गन्ने में रख के। क्या भाई के भाई कहाँ से आए? अच्छा, तो आपने भाई कब से स्टार्ट कराए गन्ने गिरने इस ट्रैक्टर से? 4 साल हो गए, झोटा रखने की जरूरत नहीं? तो कितना आराम मिल रहा है इससे? फिर पूरा मजा आ रहा, झोटे की पूंछ पकड़ने की जरूरत नहीं, बजाने की जरूरत ना, ना पानी ना घास कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, तो पैदावार की बता दो इस बार कैसी हो रही? बढ़िया लगी, पैदावार बढ़िया निकल रही है, तो इन भाई की तो पैदावार बढ़िया हो रही है। तो देखते साथियों भाइयों, वीडियो आपको एक से एक बढ़िया मिलती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो किसान भाइयों अब एक छोटी जानकारी और ली जा इस वीडियो के माध्यम से, झोटा बुग्गी की जगह छोटा ट्रैक्टर और बुग्गी इस्तेमाल कर रहे, हाड़ा इस मील में 35 क्विंटल का है और इस भाई का यहाँ पे हाड़ा हुआ है 34 क्विंटल 10 किलो। भाई खाली कितना उतर जाएगा? 10-10। तो 10-10 उतरने के बाद में कितने खाली गन्ने बचेंगे? 24 क्विंटल। तो 24 क्विंटल गन्ने तुल जाएंगे जी। झोटा रखने की कोई जरूरत नहीं है, अपना बढ़िया काम चल रहा। हमारे मील में तो 20 प्रकार की व्यवस्था हो नहीं पाई, छोटे ट्रैक्टर है नहीं, लेकिन यहाँ से व्यवस्था मुझे बहुत बढ़िया लगी भाई, क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ रहे, पशु रखना बहुत महंगा हो रहा, और अगर छोटा ट्रैक्टर है चलेगा तो खाएगा नहीं तो खड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई की पर्ची तुल चुकी है, अब खाली करने के लिए लेके जाऊंगा। ये चल दिया जी, तो ये देखो भाई वाक में गन्ना ही बहुत जबरदस्त आ रहा था उजी का।
दाएं दाएं करते आ रहे बिल्कुल अपने युवराज पा रहे, युवराज 215 राम राम ताऊ जी, कैसे हो? तो जी लोहे का जोटा रख रखा आपने? तो कितने दिनों से व्यवस्था कर रखी जी आपने? कितने दिन से ला रहे इस तक ने जोटा रखना कब बंद कर दिया था? 3 साल से जी। तो जैसा आप इसे रख रहे हैं, इससे फायदा दिखाई दे रहा था, जोटे में फायदा था पहले? बहुत बढ़िया जी, इसमें अपना सेल्फ मारो, अपना लेके चल दो, बहुत चलेगा तो खाओगा, इतनी खड़िया और वो खड़िया भी खाओगा, वो खड़ा भी खाओगा जी। तो तेल का खर्चा कितना आ जाए जी इसका? तेल का खर्चा तो ज्यादा नहीं, इसका अब तक कम ही आवे। अच्छा जी, हाँ। कोई बात नहीं, आप पर्ची दे दो जी, एक बार वेट भी दिखाते हैं भाइयों। ताऊ जी गन्ने का फुल ट्रैक्टर और बुग्गिया कितना वेट हुआ, ये हुआ जिनका 30 क्विंटल 20 किलो। तो व्यवस्था बहुत बढ़िया है जी। तो भाइयों अब आगे लेके चलते हैं आपको, किस प्रकार ये खाली होगा और जब ये अनलोड होगी इसकी भी दिखाई जाएगी आपको आगे से प्रक्रिया पूरी। अब आगे चलते हैं। तो भाइयों अब ये अनलोड होने के लिए ताऊ जी की ट्रैक्टर बुग्गी आ चुकी है, अब देखते हैं खाली कैसा होगी। और ये मिल है नगड़ मिल सहारनपुर में है जी। यहाँ पर सब भाइयों झोटा बुग्गी बहुत ही कम है, 2-4 झोटा बुग्गी आती है, ज़्यादातर ट्रैक्टर बुग्गी ही हैं। अबे यहाँ पे देखो भाइयो अनलोड हो जाएगी, बहुत स्पीड है ताऊ जी के ट्रैक्टर में भाई। तो देखिए अब हमारे ताऊ जी जो हैं इसे अनलोड करने की तैयारी कर रहे हैं, बेड इन्होंने खोल ली, अब इधर बेड को बांध लेंगे एक बार पहले, और इधर पीछे दिखाते हैं एक बार आपको थोड़ा सा। ये चैन चल रही है, इस चैन में बुग्गी जो है कूट दी जाएगी, बेड बांध के कर दी फिट, अब देखते हैं। और वो देखो साथियों सामने एक झोटा बुग्गी दिखाई दे रही है, झोटा बुग्गी कमी है ज़्यादातर अपने, ये ट्रैक्टर ही है और बुग्गी है, ये देखिए। एक मिनट भी अनलोड करने में नहीं लगी, ये लो जी ये हो चुकी है अनलोड बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं है, जोटा तो बहुत बार भी तक भी जाता है। चल दिया जी ताऊ जी, अब खाली का वेट करने जा रहे हैं खाली कंटे में। तो भाइयों अब यहाँ पे खाली कंटे पे आ चुके हैं, अब खाली कंटे का आड़ा इसका बुग्गी का और ट्रैक्टर का आड़ा देखा जाएगा कितना होगा, फिर गन्ने क्लियर हो जाएंगे भाई। तो जल्दी अपना खाली करवा गए तोल ताल गए काम को, अब ये ताऊ जी गए ट्रैक्टर और बुग्गी जोटा बुग्गी कुछ ही कह लो, अब इसका वेट देखते हैं खाली का कितना हुआ है। तो भाइयों खाली कंटे पे अब ट्रैक्टर बुग्गी आ चुकी है, अब इसका वेट देखते हैं खाली का कितना हुआ है। अब ताऊ जी पर्ची पकड़ा रहे अपनी और हम इसका देखते हैं खाली का वेट हुआ जी 12 क्विंटल 35 किलो, और शुद्ध गन्ना भी अब दिखाते हैं आपको कितने गन्ने शुद्ध गन्ने इस ट्रैक्टर बुग्गी में तुल गए हैं। अब थोड़ी देर में पर्ची आ जाएगी उसके बाद देखते हैं। तो इतना अपने ताऊ जी से बात करते हैं छोटी सी। ताऊ जी तो और खेती में काम ले रहे ट्रैक्टर से? बढ़िया सारा काम इससे कर रहे, ट्रंच से गन्ना कर रहे, कैसे कर रहे जी? ट्रंच से कर रहे गन्ना कैसे कर रहे? शादी विधि भी है। तो साथियों वीडियो में बने रहे हैं अभी, और आप किस मील क्षेत्र से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, और भविष्य में आपको एक से एक बढ़िया वीडियो मिलती रहेंगी। अब वेट देखते हैं कितना वेट हुआ है, 17 क्विंटल 67 किलो। तो ये देखते हैं जी 17 क्विंटल 67 किलो गन्ने हो गए। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें शेयर करें। नमस्कार।